हे गाइस, कैसे हो आप सर? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक खास मुद्दे पे मैंने बनाया हुआ है, और वो मुद्दा जुड़ा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग, जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है उससे जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, आप हो सकता है उससे बच जाए। और अगर ऑनलाइन शॉपिंग, हालांकि आजकल सभी लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं, तो उन्हें इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 3-4 वीडियो बनाए हुए थे, जिसपे कि काफी सस्ते स्मार्टफोन सेल किए जा रहे थे। जोनर, एक्सपेरिया, ऐसे जेक्सस करके काफी सेल किए जा रहे थे। mobile.in, zuker.in, ऐसे करके साइट नेम थी। वहां से जो कंज्यूमर, जो भी कस्टमर वहां से प्रोडक्ट खरीदे, और खास करके मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे, तो मेरे कमेंट में उन्होंने निगेटिव उसका जो रिव्यू दिया उन साइट्स के बारे में, 99% लोगों ने उन साइट्स के बारे में कहा था कि ये आइटम या तो खराब दे रहे हैं, या तो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, या तो कुछ और दे दे रहे हैं, और रिटर्न का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, रिटर्न नहीं कर रहे हैं, या हम इनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ कॉस्टली आइटम आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप मोस्टली जो ट्रस्टेड साइट्स हैं, ऑनलाइन साइट्स, फॉर एग्जांपल अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑल दीज साइट्स को ही आप फॉलो करें। प्रेफर इन सब साइट्स को ही करें ज्यादातर, क्योंकि आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, इन साइट्स पे आप क्लेम कर सकते हैं, ये वेल स्टेबलाइज्ड कंपनीज है, काफी इनका अरबों में बिजनेस चल रहा है, तो ये ऐसी गलती नहीं करेंगी, क्योंकि कंज्यूमर कंप्लेंट काफी सीरियसली इनके लिए हो सकता है। लेकिन ये जो फेक साइट्स बना करके, क्योंकि आजकल साइट्स बनाना इट इज टू इजी, आई कैन ऑल्सो मेक साइट एंड सेल आइटम्स ऑन दोज साइट्स। मैं यहाँ से 10 रुपए का आइटम लूंगा, उसे 5,000 का बता के भेज दूंगा, फिर आप रिटर्न करो, ऐसे कांटेक्ट करते रहो, मेरा कुछ कांटेक्ट नंबर नहीं, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, आप कंप्लेन करोगे तो कंप्लेन कर क्या करोगे, बहुत होगा तो साइट मेरी बंद हो जाएगी। बंद होने दो ना साइट, कौन सा मेरा क्या जाता है, ना मेरा कुछ एड्रेस मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ऐसा तो आप कंप्लेन करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप इन साइट्स पे आप भरोसा ही नहीं करो। दूसरी बात यह है, सॉरी, कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कोई भी सामान किसी भी साइट से, चाहे वो ट्रस्टेड या कोई भी साइट हो, न्यू साइट है, तो आप उनके जो रिटर्न पॉलिसी है, रिफंड की पॉलिसी है, नीचे दिया हुआ होता है उनकी साइट में, कहीं ना कहीं दिया हुआ होता है रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी क्या है, उस पे गौर देना, उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आइटम अगर आपको पसंद नहीं आए तो रिटर्न करना हो तो इजिली रिटर्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब चीज ध्यान देने वाली बात होती है। एक और बात, आपको शॉपिंग जब कर रहे हैं उस टाइम ध्यान देना है कि जो ऑफर आते हैं, कुछ जो भी वहां पे अगर आइटम मिल रहा है, उस पर अगर ऑफर दिया हुआ है, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाए जाते हैं इन कंपनीज द्वारा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या वो आपके हिसाब से फिट बैठ रहे हैं, अगर फिट बैठ रहे हैं तभी आप ऑर्डर करना। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान देने वाली है अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मैं तो दुकान पे जाके फिजिकली वहां पे पैसा दे नहीं रहा हूं कि गड़बड़ सामान दे तो देख के अपना वापस कर दिया, मैं भरोसे पे ही पे कर रहा हूँ किसी को, मैं भरोसे पे पे कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें आपको सोच समझ के आपको करना चाहिए। फाइनली, अगर आपके साथ किसी भी साइट्स में या ऑनलाइन शॉपिंग या कोई भी ऐसे फर्म धोखा करते हैं, गड़बड़ी करते, तो आपके लिए कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। ऊपर मेरा लिंक शो कर रहा होगा, लिंक में मैंने वीडियोस बनाए हैं, ऐसे काफी लिंक मेरे पूरे वीडियोस में शो किए होंगे, तो आप वन बाय वन सारे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कंज्यूमर कोर्ट में इट इज टू इजी मेथड, हम इजिली जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई धोखेबाजी करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।